लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने बगलान प्रांत में आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों के अभियान में 12 तालिबान आतंकी मारे गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सेना ने बताया कि इस अभियान के दौरान तालिबान के कब्जे से 16 ग्रामीणों को भी मुक्त कराया गया है। सुरक्षा बलों ने बीते 16 अक्टूबर को बगलान प्रांत के डांडे गोरी, डांडे शहाबुद्दीन और किला गाय इलाके में ये कार्रवाई की थी। इस अभियान में तालिबान के वरिष्ठ कमांडर कारी बख्तियार समेत 24 आतंकी घायल भी हो गए थे। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने हालांकि सेना के इस दावे को खारिज कर दिया है। जबीहुल्ला ने दावा किया है कि तालिबान ने बागलान में हमला बोलने आए सुरक्षा बलों को खदेड़ दिया था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अफगान सुरक्षा बल तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं। 19 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लोकर प्रांत के चरख जिले में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 12 आतंकियों को मार गिराया था। इससे तालिबान गुस्से में आ गया था और उसने लोगर प्रांत स्थित 29 मदरसे बंद करवा दिए थे। इतना ही नहीं, शिक्षकों को धमकी दी गई थी कि वो दूसरे स्कूलों में भी बच्चों को न पढ़ाएं।